मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम निकल चुके हैं यात्रा के लिए सुबह के 9 बजे। देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा यात्रा जाने के लिए, यात्रा पहुंचने के लिए। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है वैष्णो देवी मंदिर की। बॉटल भर लो यार। यार हरी तो है, वो आती है ना। आती नहीं, वो खत्म हो गई, मैंने पी लिया वाला। और अभी हम 1 किलोमीटर दूर आए। 1 किलोमीटर हो गया है। और अभी हम पानी भर रहे हैं पीने के लिए, पर जाके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पानी की। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर थोड़ा रह गया है, अर्धकुंवारी 2.5 किलोमीटर। और हम यहाँ पहुँच गए थे 10:30 बजे, तो हमने 9:15 से 10:30 बजे 1.5 घंटे में इतना सफ़र तय कर लिया है। अब 2.5 किलोमीटर देखते कितने टाइम में हम पूरा करेंगे उस सफ़र को, है ना। तो हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी 12 बजे। 9:30 चले थे हम, एंड 2.5 घंटे में अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। उसके बाद देखते हैं वैष्णो देवी जाने में कितना टाइम लगेगा हमें। ले लेते हैं आप थोड़ी बहुत। अभी हम पहुंच गए वैष्णो देवी माता मंदिर है। 3 बच्चे हैं अभी। ये अब भी स्टार्ट हुई। ये यहाँ पे हो रही है हमारी मसाज, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मंदिर
से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने डिनर किया एंड रेस्ट किया एंड फिर नेक्स्ट डे ही हम निकल गए वापस शिमला के लिए। तो शिमला काफ़ी दूर था इसलिए हमने हमीरपुर स्टे किया एंड हमीरपुर में हमने डिनर किया एंड इसके बाद चले गए हम नानी के घर। तो बस काफ़ी थकान भरा ये हमारा सफ़र था एंड फ़िलहाल तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो देखती हूँ क्या हमें खाने के लिए मिलेगा। पसीने पसीना हो गया है सब कुछ, इतनी गर्मी, इतना धूल, ओ गॉड, पता नहीं कब जाके शिमला पहुंचेंगे। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी भी हम नहीं पहुंचे शिमला। ये बीच में बहुत सारा काम याद आ रहा है, वो काम ही पूरा नहीं हो रहा है। देखते हैं अब शिमला पहुंचेंगे ना। अभी तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ। मोहित यहाँ पे पेड़े लेने गए हैं, यहाँ रास्ते में पेड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी एंड प्योर मेनली, तो वहाँ से पेड़े लेने गए हैं। तो हम घर के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं, बस इसके बाद चलेंगे हम यहाँ से और यहाँ टेस्ट करवाने के लिए मेरे लिए पेड़ा लेके आए। तो यहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा, इनको थोड़ा थोड़ा देते हैं।